नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज मैं आया हुआ हूं किसान पावर एग्रो इंडस्ट्रीज में, जो कि नवदई भरतपुर राजस्थान में है। तो किसान भाइयों, गेहूं की कटाई का सीजन आ गया, सरसों की कटाई का सीजन आ गया है, तो काफी सारी जो फसलें हैं उनकी कटाई का सीजन आ गया है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो शानदार रीपर मशीनें रखी हुई हैं और ये पावर टिलर में अटैच है। हमारे साथ ये सर है जो किसान पावर एग्रो इंडस्ट्रीज के ओनर है, तो इनसे जुड़ते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी तो सर, आपके किस तरह की मशीनें हैं, इनके बारे में जानकारी दीजिए, कौन कौन सी फसलें काट सकती है, इसके बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल। देखिए आकाश जी, जो हमारी ये तीन फीट की अपनी फसल होती है, जी जी, जैसे कि गेहूं हुआ आपका, आपका गेहूं हुआ, जैसे कि आपका धान हुआ है, सोयाबीन हुआ, ये सभी फसलें हैं, काट के देगा ये। जी जैसे सर कह रहे हैं, तीन फीट तक के गेहूं हो गया, सरसों हो गया, खास करके ज्वार बाजरा को छोड़ दें तो बाकी सारी फसलें ही काट देता है। जी सर। जी जी जी, क्योंकि तीन फीट की जो अपनी हाइट की होती है वो सब काटेगा ये सर। जी। और किसान भी इसके साथ जो गर्मी में आपके उड़द हो गया, ये सब जो फसलें हैं वो सब भी काट देता है। जी बिल्कुल सर। जी सर, सबसे पहले इस मशीन के बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये क्या लगा रखा है आपने, रेडियो एंटीना है क्या ये? देखिए रेडियो एंटीना नहीं है सर, ये है कि हमारे जो कम चलाएंगे इसको, जी जी, तो इससे पता लगता है कि हमने एक सीध में ही चलाना है ये। जी, इसलिए। और ये सर रीपर क्या क्या कॉर, इसके बाद थोड़ा सा बताइए, फिर जो पावर टिलर अटैच है इसको भी जानेंगे। देखिए आकाश जी, ये रीपर रहने वाला है, चार फिट का रहने वाला है, चार फिट में इसका कटर वायर है, हैवी कार्बन क्वालिटी की हमने देखी जी ब्लेड दे रखे है, ना ही कोई टूटने का डर है इसमें सर। हाँ। और हमने डबल चैन में दिया है ये, और आपने सिंगल चैन में देखे होंगे, हमने ये डबल चैन में दिया है। जी। तो अच्छा सर, यही बताइए जमीन की कितनी सतह से नीचे से काटता है, कहीं ऐसा नहीं बहुत नीचे छूट छूट जाए बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, देखिए दो इंच ऊपर से काटेगा ये, ज्यादा नहीं काटेगा ये। जी जी सर। सर ये हमने देख लिया, और आप जो पावर टिलर है ना, इसमें ट्रैक्टर के बराबर आपने टायर भी दे रखे हैं, इसके बारे में बताएं ये कैसा है? देखिए हमने टायर इसलिए दिए हैं इसमें बड़े वाले, जब हम इसको चलाएंगे या मेड आ जाए, डोर आ जाए, उस पर ये स्लिप नहीं हो पाए।